गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और देखिए, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का बन ही गया होगा। तो देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण और झुकाव हो। तो देखिए, सबसे पहले हम जितना पढ़ें उसको पहले एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ से समझिए हल। एक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाने के लिए एक ठेकेदार को रखा गया है। तो ये इसकी जो आकृति होगी ये ऐसा है, 1.5 मीटर ऊंचाई का, यहाँ से यहाँ तक, और ये फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है ना। ये फिसलन पट्टी हो गया, जो कि कहा गया है कि ये जो फिसलन पट्टी झुकाव जो है, इसका झुकाव ढाल जो है वह इसका 30 डिग्री दे दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम ए, इसको बी, इसको सी। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ऐसा है। फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हुआ 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। और दूसरा क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ बना लेते हैं, ये ऊंचाई कुछ ज़्यादा है और ढाल भी ज़्यादा खड़ा है ये, क्योंकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो ये ढाल कुछ, इसके तुलना में ये ढाल कुछ ज़्यादा खड़ा है। इसको मान लेते हैं PQR। इसकी ऊंचाई आपको दे दिया है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, और ये जो झुका हुआ जो है ये 60 डिग्री से झुका हुआ है। तो पूछा जा रहा है इसमें कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये भी हो गया आपका समकोण त्रिभुज, और हम लोग जानते भी हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं और कोण के ठीक सामने की भुजा को बोलते हैं लंब। इसमें भी वही बात, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं और कोण के ठीक सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। और फिसलन पट्टी, दोनों स्थिति में आपका फिसलन पट्टी दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई एसी हो जाएगा, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, PR है नहीं। तो बारी बारी से निकाल लेंगे, पहले कैसे निकालेंगे, यहाँ से करते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई जो है, फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की
लंबाई लंबाई AC है। ठीक है, माना लेके माना कर लेंगे, माना माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज किस में, ABC में, ABC में, ABC में क्या होगा, देखिए ABC में क्या होगा, ये देखिए। अब एक बात गौर करने की बात ये है कि इसमें इसमें क्या होगा, इसका और इसका संबंध, इसका लंब बट्टे कर्ण, इसमें भी कर्ण ही निकालना, इसमें भी कर्ण ही निकालना है दोनों त्रिभुज में, तो लंब बट्टा कर्ण साइन में जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, साइन साइन सी एंगल से लेंगे, साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, और साइन सी का मान 30 डिग्री दिए हुए हैं इसमें, साइन तो क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, देखिए लंब आपका ए बी है, ए बी बट्टा कर्ण क्या है, कर्ण आपका ए सी है। यहां तक देखिए एक बार, अब क्या होगा, मान को रखेंगे यहां पे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और ए बी का मान यहां पर दे दिया गया है 1.5, अब बाय ए सी तो निकालना ही है, यहां तक स्पष्ट है, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर आपका हो जाएगा 1.5 इंटू ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 बराबर आपका हो गया 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 3 मीटर, कितना हो गया 3 मीटर। ये आपका जो लंबाई निकला 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये लंबाई हो गया 3 मीटर। आप लिख भी सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, जो कि हम ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज का तो कर लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अब 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लिख देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है ना, 5 वर्ष कैसे, किस त्रिभुज में लेंगे, किस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, PQR में लेंगे, यहां भी लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक ना, समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, इसका इसका संबंध जाएगा, यानी कि साइन में जाएगा ना, यहां से कर लेते, ऐसे करते हैं, साइन R बराबर क्या हो, लंब बट्टा कर्ण, लंब हो गया PQ, लंब हो गया PQ और कर्ण हो गया PR, PR का जो मान निकलेगा वही हो गया आंसर ना। अब देखिए साइन R, साइन कितना, साइन R का 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री बराबर PQ कितना, देखिए PQ 3 और PR कितना है, PR तो निकालना ही है, PR, यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या करेंगे, PR साइन 60 डिग्री, PQ और PR, तो 3 रख दिए PR, हाँ अब क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, रूट थ्री बाई टू बराबर 3 बट्टा कितना हो गया PR, ये तो निकालना है, यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या हो जाएगा, PR क्या थी, PR बराबर लिखेंगे √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ऐसे √3 गुने PR
बराबर कितना हो गया, 3 × 6 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है, एक बार देखिए। अब हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए पी आर बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए पी आर बराबर लिख देंगे, इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा 6, पी आर बराबर हो जाएगा 6/ कितना, √3। अब इसको क्या करेंगे, 6/ इसको हर का परमयीकरण कर लेंगे, तो 6 × √3 में ऊपर से भी गुना कर देंगे और √3 तो नीचे में है ही, इसको भी √3 से गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 6√3 / 3, ठीक है ना। अब काट लेंगे 3 से, करें 3 × 6, यानी आपका निकला कितना 2√3, 2√3 मीटर, जो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ये लंबाई ये आपका हो गया। बात को समझे, क्या हो गया, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ये फिसलन पट्टी की लंबाई आपको 3 मीटर हो गया, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।